चलो ये है प्रॉब्लम सेट वन सिमिलैरिटी 10 स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सेट वन का क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर देखिए फिगर एंगल एबीसी ये है एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल डीसीबी डीसीबी एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल डीसीबी और दोनों क्या है 90 डिग्री यानी एबीसी भी 90 डिग्री और डीसीबी भी क्या है 90 डिग्री। ओके एबी की वैल्यू 6 एबी की वैल्यू 6 डीसी की वैल्यू 8 फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीबी ट्राइंगल की नेमिंग दे दी। अच्छा ये है ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल एबीसी में बेस कौन है सेगमेंट बीसी इज द बेस एंड सेगमेंट एबी इज द हाइट। उसी तरीके से ये ट्राइंगल का भी नाम दिए ट्राइंगल डीसीबी कौन है बेस सेगमेंट बीसी इज द बेस एंड डीसी इज द हाइट यानी जो सेगमेंट बीसी है वो कॉमन बेस है कॉमन बेस ऑफ बोथ द ट्राइंगल अगर बेस सेम है तो हाइट में आंसर आएगा रेशियो हाइट का में रहेगी रेशियो में और हाइट की वैल्यू तो होती है तो समझ है तो सोल्यूशन जो ये फाइंड करने बोले एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीबी ये दोनों ट्राइंगल का सेगमेंट बीसी कौन है कॉमन बेस यानी आंसर क्या में आएंगे हाइट में एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की हाइट कौन है एबी ट्राइंगल एबीसी की हाइट कौन है एबी अपॉन डीसीबी ट्राइंगल डीसीबी की हाइट कौन है डीसी समझ है क्या कॉमन था बेस ना तो इधर लिख के बताएंगे ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेस या कॉमन बेस या सेम बेस तुम कुछ भी लिख सकते एक ही मतलब है ट्राइंगल विथ इक्वल बेस ट्राइंगल विथ इक्वल बेस देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन डीसीबी फाइंड करने का तो इन लोग की तो वैल्यू ही नहीं मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीबी इज इक्वल टू एबी की वैल्यू कितनी 6 और डीसी की वैल्यू कितनी 8 टू थ्री जा 6 टू फोर जा 8 देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीबी इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 तो लोग ने ऐसे ही बोले आंसर डॉट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीबी बराबर डी बनाओ इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 फिनिश्ड।